लास्ट वीक की बढ़त को मार्केट इस वीक कायम नहीं रख पाया। इस छोटे से सेशन में मार्केट में हैवी सेल ऑफ देखा गया। फाइनेंशियल स्टॉक्स ने मार्केट में दबाव बनाने का काम किया और एनर्जी इंडाइसेस को छोड़कर लगभग सभी इंडाइसेस में सेल ऑफ देखा गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवेश गौर। लास्ट वीक की बात करें तो निफ्टी में लगभग 2% की गिरावट देखी गई। निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल और निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में भी हैवी सेल ऑफ देखा गया। डेटा की बात करें तो एफआईज ने 6300 करोड़ की बिकवाली की, वहीं डीआईज ने 2700 करोड़ की खरीदारी की। डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो एफआईज का इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग एक्सपोजर 46% पर है, वहीं पुट कॉल रेशियो 0.9 पर बना हुआ है। टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो निफ्टी में 17,800 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यदि निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऑन द अपसाइड 18,000 से 18,100 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ऑन द डाउनसाइड 17,400 एक डिमांड जोन है। यदि निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें 17,200 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 38,000 बैंक निफ्टी में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यदि बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब रहा तो हमें 38,800 से 39,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 37,200 बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट वीक के क्यूज की बात करें तो माइंडट्री, एसईसी, एससीएल टेक और नेस्ले इंडिया जैसे दिग्गजों के अर्निंग्स पर हमें अपनी नजर बनाए रखनी होगी। कमोडिटी प्राइसेस और एफआईएस के बिहेवियर पर भी हमें अपनी नजरें बनाए रखनी होगी। नाउ कम टू द रिकमेंडेशन फॉर द नेक्स्ट वीक बाय जेके पेपर एट सीएमपी 344। आवर एसएल वुड बी 327 विद टारगेट 374। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द नेक्स्ट वीक। थैंक यू।